हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज हम ना कुछ बहुत ही जरूरी चीज़ों पे बात करेंगे, जो कि है प्रॉब्लम, मतलब समस्या, है ना। समस्या कुछ भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है, किसी की भी समस्याएं हो सकती है ना। ये बहुत ही नेचुरल चीजें हैं और ये समस्याएं हर किसी के लाइफ में आती है। हाँ, कोई कहता है, कोई नहीं बताता है, पर ये समस्या हर किसी के जीवन से जुड़ी होती है, क्योंकि अगर ये ना होगा तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें समस्या का ना कुछ हद तक तो अगर हम खुद से अगर उसका सोल्यूशन निकालते हैं, समाधान निकालते हैं, तो अच्छा है। आप वही समस्या लोगों के साथ शेयर करिए जो आपसे ना हो, है ना। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना से जितना हो सके हम उस समस्या का समाधान खुद निकालें, है ना। क्योंकि आप लोगों से बोलोगे, बताओगे, तो लोग तो आपका मजाक उड़ाएंगे, है ना। या हो सकता अगर आपके कुछ अपने होंगे तो शायद वो आपको सोल्यूशन दे भी दे। वैसे पांच उंगली बराबर नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारी दुनिया में सभी लोग एक जैसे हैं, है ना। तो ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, बट कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि अगर आपके पास समस्या है, क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर ने हमें ये दिया दिमाग, क्या दिया है, दिमाग और दिल। ठीक है, तो जब भी अगर कोई ऐसी समस्या आए तो आप शांत होकर अच्छे से सोचिए और शायद आप कर पाएंगे, क्योंकि आपसे बढ़कर ना आपकी समस्या को कोई समझ ही नहीं सकता है। दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है ना, तो कोई दूसरा कोई नहीं उसे सॉल्व करेगा, बल्कि आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शांत होकर आपको उस समस्या के बारे में सोचना है। अगर आप सोचोगे ना, तो शायद उस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। हाँ, दूसरे लोग आपको एडवाइस देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, है ना, आप ऐसे करो, वैसे करो, पर करना हमें ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम खुद से ही पहल करें। ठीक है, क्योंकि ये समस्या किसी के जीवन में आते, जैसे कि बच्चों की रिजल्ट है। ठीक है, माना कि किसी बच्चों का अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो पेरेंट्स लोग बहुत बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे? नहीं ना, बल्कि बच्चे और दूसरी दिशा पकड़ लेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप बच्चों को अच्छे से समझाएं, उसे बताएं और कहाँ उसकी गलती है उसे बताएं, उसे रिलैक्स करें। अगर बच्चे को रिलैक्स हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ना, यकीन मानिए, वो बहुत ही बेस्ट से बेस्ट करेगा। क्योंकि अगर हम पहले ही उसको डरा देंगे, धमका देंगे, तो कहीं ना कहीं वो गलत दिशा में भटक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि हर समस्या का सॉल्व क्या है, खुद में ही है। तो जब आप उस बच्चे को रिलैक्स कराओगे ना, तो वो खुद अपने आप उस समस्या को समाधान कर सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब शायद आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना कि हम लोग उसे बना देते हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहती थी, अगर आप लोग हमारी कोई बात अगर दिल पर लगे तो दिल को बुरा मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने अपनी बातें आप लोगों से शेयर की है। ठीक है, और इसमें से अगर थोड़ी सी बात अगर आप लोगों को समझ आए तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और आपको अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने अपने जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने वही शेयर किया है आप लोगों के साथ। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं कुछ बोलती हूँ, तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया है। हमारे बच्चों का भी रिजल्ट आया है। हाँ, मानते हैं कि उतना अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है, पर हमारे लिए ठीक है। उन्होंने कम से कम कोशिश की और नेक्स्ट टाइम के लिए और वो बेटर करेंगे, है ना। तो इतनी बड़ी समस्या तो है नहीं जो कि हम डांटे और उनसे आर्ग्यूमेंट करें तो उससे कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों को आप या हम ज़्यादा हमें ऐसा ना करें कि वो समस्याओं में ही घिरे रहें। नेक्स्ट टाइम के लिए उन्हें हम प्रिपेयर करते, ताकि उनका नेक्स्ट फ्यूचर अच्छा जाए, है ना। तो समस्याओं का कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो समस्या तो आती ही रहती है। हाँ, हमें ही उस समस्या को सॉल्व करना, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कहना था। आई होप कि आप लोग इससे कुछ समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है, एंड बाय बाय, टेक केयर।